वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन टैब ट्यूटोरियल को हम देखने वाले हैं। डिज़ाइन टैब में कुछ कमांड्स हैं, उनको हम अपने प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसी स्लाइड्स के ऊपर हम यहां से अप्लाई करने वाले हैं, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली कमांड यहां पर है कि हमें थीम सेट करनी है पहले स्लाइड पर, दूसरे स्लाइड पर और फोर्थ स्लाइड पर। और यहाँ पर उन थीम्स के नाम भी दे रखे हैं। रेट्रोस्पेक्ट थीम हमें लगानी है पहली स्लाइड्स पर, ऑर्गेनिक थीम हमें लगानी है सेकंड पर, और स्लाइस थीम लगानी है हमें फोर्थ स्लाइड पर। तो यहाँ पर पहली स्लाइड पर हम थीम लगाने वाले हैं रेट्रोस्पेक्ट। हमें यहाँ से देखना होगा, जब भी हम थीम पे जाएंगे माउस लेके, तो यहाँ ऑप्शन हमें शो करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक है और इससे अगली थीम हमारी रेट्रोस्पेक्ट है जो हमें चाहिए। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वो थीम आप देखेंगे सभी पे सेट हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर एक बार अगर आप क्लिक करते हो तो वो सभी पे सेट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ पहली स्लाइड्स पर ही इसे अप्लाई करना है। तो अभी हम कंट्रोल जेड करेंगे क्योंकि हमें इस पे ही सिर्फ अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इससे सिर्फ वही स्लाइड्स आपको चेंज होती हुई शो होगी। इसमें ऑलरेडी जो भी थीम है वो हमारी पहले स्लाइड पर सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमें दूसरी स्लाइड पर भी ऑर्गेनिक थीम अप्लाई करना है। राइट क्लिक करते हुए हमें करना है अप्लाई टू सिलेक्टेड। इससे सिर्फ हमारा उसी स्लाइड पर ही हमारा थीम अप्लाई होगा। और थर्ड को छोड़कर फोर्थ स्लाइड पर हमें यहाँ से जो नेक्स्ट थीम है हमारी, यहाँ से हमें अप्लाई करनी है स्लाइस थीम, और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो जो पहली कमांड्स हमें गिवन थी वो हमने कर दी हैं, थीम्स यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी हैं। सेकेंड कमांड इसके अंदर दी गई है, यूजिंग फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑन थर्ड स्लाइड्स फिल ग्रेडियंट फिल ऑन थर्ड स्लाइड। यानी कि हमें थर्ड स्लाइड पर फिल करना है ग्रेडियंट फिल। यहाँ पे हमें जाना है थर्ड स्लाइड पर और डिज़ाइन टैब के ही लास्ट में फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल का। यहाँ से आप जिस तरीके का ग्रेडियंट फिल चाहते हैं वो आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे उसका इफ़ेक्ट आपको बाहर शो होगा। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट फिल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग दी गई है कितना डार्क और कितना लाइट आप अपने स्लाइड्स पर चाहते हैं। चाहें तो कलर को यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, दूसरा कलर भी यहाँ से आपको चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे दो पॉइंट्स थे जो हमने सीखे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, डिज़ाइन टैब में यूजिंग वेरिएंट सेक्शन हमें फॉन्ट के जो टाइप हैं वो बदलने हैं कैलिब्री के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी आपके स्लाइड्स हैं आप चाहें तो कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ से आपको स्लाइड्स के अंदर दिखाई देंगे ऑप्शंस। और वन बाय वन हमें जाना होगा वेरिएंट के अंदर यहाँ से फॉन्ट, और आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कैलिब्री हमने यहाँ से सेट कर दिया है तो हमारे फॉन्ट्स यहाँ से कैलिब्री सेट हो गए हैं। आप यहाँ से फॉन्ट को बदल सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रांजिशन टैब है, इसके अंदर हमें कुछ एनिमेशन सेट करनी है। ट्रांजिशन टैब के अंदर से पुश ट्रांजिशन हमें पहली स्लाइड पर, स्प्लिट ट्रांजिशन हमें सेकंड स्लाइड पर, और फ्लैश ट्रांजिशन हमें थर्ड स्लाइड्स पर अप्लाई करनी है। तो पहली स्लाइड पर आप देखेंगे ऊपर ट्रांजिशन टैब में पुश ट्रांजिशन पर हमने क्लिक करा, ये हमारी ट्रांजिशन सेट हो चुकी है। सेकेंड स्लाइड पर हमें स्प्लिट ट्रांजिशन डालनी है, स्प्लिट पे क्लिक करते ही यहाँ से वो ट्रांजिशन इस पर अप्लाई हो चुकी है। और थर्ड पे हमें फ्लैश ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ से फ्लैश ट्रांजिशन भी शो हो चुकी है। तो ओवरऑल जितना हमें लिखा था वो हमने यहाँ पर सारा सेट कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है, सेट टाइमिंग ऑटोमेटिकली। हमें एक एक सेकंड का टाइमिंग डालना है पहली स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड पर हमें, तीसरी स्लाइड पर दो दो सेकंड का डालना है, और बाकी की स्लाइड्स पर हमें तीन तीन सेकंड का टाइमिंग डालना है। तो यहाँ से जब हम पहली स्लाइड पर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर ड्यूरेशन शो हो रहा है। माउस क्लिक को आपको हटा के ऑटोमेटिकली डालना है एक सेकेंड, बाकी यहाँ पर आपको ज़ीरो रखना है। और दूसरी तीसरी स्लाइड पर दोनों को हमने सेलेक्ट कर दिया है, माउस क्लिक हटाते हुए हमने यहाँ से दो सेकेंड डाल दिए हैं। एंड उसके बाद की जो स्लाइड्स हैं बाकी की उस पर हमने यहाँ से तीन सेकंड्स अप्लाई कर दिए हैं। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ से अप्लाई कर दी हैं। अब हमें F5 करके इसे रन स्लाइड कराना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन हमने डाली हैं वो ट्रांजिशंस के साथ हमारी स्लाइड्स शो हो रही है। तो आप अलग अलग तरीके से ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइमिंग भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑप्शंस
डिज़ाइन टैब और ट्रांजिशन टैब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन टैब के कुछ कमांड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी स्लाइड्स पर उस चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।